हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं TWS वर्सेस नेकबैंड के बारे में। सो अगर तुम भी अपने ऑडियो एक्सपीरियंस को अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हो, यानी कि न्यू ऑडियो गैजेट लेने के बारे में सोच रहे हो, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करेंगे TWS नेकबैंड के फीचर्स, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए बाय करने के लिए। तो करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे पास दोस्तों दोनों ही गैजेट्स अवेलेबल हैं। इन दोनों ही गैजेट्स की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप चाहे तो इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो मैं उसका लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर ऊपर आई बटन में आपको ऐसा वीडियोस देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं TWS की, यानी कि ट्रूली वायरलेस स्टीरियो ईयरबड्स, जहाँ इनका कॉम्पैक्ट डिजाइन देखने के लिए मिलता है एंड कोई भी वायर्स वगैरह का झंझट नहीं रहता, तो ईजी टू कैरी रहता है एंड काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी डिवाइस ये रहता है। वहीं बात करें अगर नेक बैंड्स की, तो नेक बैंड्स में आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। हालांकि इन्हें आप कॉम्पैक्ट बना करके रख सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वायर्स वगैरह इन्हें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो TWS ही अच्छा है। तो बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो जहाँ आपको TWS में मोस्टली 50-60 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिलता है, कुछ कुछों में आपको 100 आवर्स तक का बैकअप मिल जाएगा। वो ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है, बट वही अगर नेक बैंड्स की बात करी जाए तो नेक बैंड्स में भी आपको बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। कंपेयर टू मैंने बहुत से नेक बैंड्स आज देखे हैं, तो वहाँ जहाँ अगर देखा जाए तो जैसे इसके अंदर मुझे 150 आवर्स का बैटरी बैकअप टाइम मिलता है, और वहीं अगर बात करें इसकी तो इसका 48 आवर्स का बैटरी बैकअप टाइम है विद द केस। सो डेफिनेटली इन केस ऑफ बैटरी लाइफ दिस नेक बैंड विन। लेट्स टॉक अबाउट कंफर्टेबिलिटी। तो जहाँ TWS में कॉम्पैक्ट डिजाइन मिलता है, वहीं इनके ईयरबड्स भी कॉम्पैक्ट होते हैं। बट मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स के TWS यूज़ करे हुए हैं एंड मुझे कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम इनके साथ देखने के लिए मिली है। अगर आप इसे 3-4-5 घंटे तक कंटिन्यूसली यूज़ करते हो, तो एक टाइम बाद आपके ईयर्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अब मेरे साथ में तो ये इशू है, तो मुझे तो इनके साथ में पेन फील होता है। बट वहीं अगर बात करूँ मैं नेक बैंड्स की, तो ये मेरा बोट का दूसरा नेक बैंड है। इससे पहले मेरे पास बोट रोकस 255 प्रो था, वहाँ पर मुझे कभी भी ऐसा इश्यू फेस करने के लिए नहीं मिला है। मैंने इन्हें पूरे पूरे दिन भर भी यूज़ करके देखा है, बट कभी भी मुझे ऐसा ईयर्स में पेन इनके साथ में फील नहीं हुआ है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कम्फर्टेबिलिटी मुझे नेक बैंड्स में ज़्यादा लगती है बजाय TWS के। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेक बैंड ही विंस करता है। सो बात कर लेते हैं यहाँ पर साउंड क्वालिटी की। सो साउंड क्वालिटी के मामले में आजकल दोनों ही चीज़ों में काफ़ी अच्छी ब्लूटूथ एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है एंड दोनों में ही नॉइस कैंसिलेशन भी देखने के लिए मिलता है। बट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इनके साथ में जो वॉइस है वो इतना ज़्यादा क्लियर फील नहीं होता है, जो कि आपको एक नेक बैंड या फिर वायर्ड ईयरफोन में देखने के लिए मिलता है। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू तो यही बोलता है कि मुझे जो साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर लगती है वो लगती है नेक बैंड की ज़्यादा बेटर लगती है। हालांकि जहाँ तक अगर अभी देखा जाए तो नेक बैंड ही विन करता हुआ लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, TWS के भी कुछ फ़ायदे हैं। सो जहाँ अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या वर्कआउट की बात करी जाए तो वहाँ पर ये नेक बैंड काफ़ी झंझट भरे फील होते हैं, बट TWS जो वहाँ पर एक सेवियर की तरह काम करते हैं। सो डेफिनेटली अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं या इंडोर आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, तो उस टाइम पे ये TWS जो है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट देते हैं। इनमें कोई भी वायर्स वगैरह नहीं होता है, तो इस वजह से ये काफ़ी इजी टू फिट यूज़ करने के लिए रहते हैं एंड लाइट वेट होने की वजह से ये कोई कुछ भी हैवी फील नहीं होते हैं। तो दोस्तों दोनों ही कैटेगरी अपने अपने फील्ड में अच्छी हैं, बट मेरा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू जो ज़्यादा अच्छा जाता है वो जाता है नेक बैंड की तरफ। इनमें कोई बेटर साउंड, बेटर क्वालिटी एंड बेटर बैटरी लाइफ देखने के लिए मिलता है। वहीं बात करेगा TWS की, तो इसके भी कुछ बेनिफिट्स है। वायरलेस नहीं होता है, कॉम्पैक्ट डिजाइन होता है एंड ईजी टू कैरी रहता है। सो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इन प्रोडक्ट्स को लेकर के। बाकी आप देखिए कि आपको अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कौन सा गैजेट सूट करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड इन दोनों की दोनों वीडियोस को आप चाहे तो ऊपर देख सकते हैं। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के लिए। बाकी अगर आपका कोई भी सजेशन है या थॉट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।